वो किस तरह होगी इन केस ऑफ लॉस, फिर क्या होगा, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम पॉइंट्स एक डॉक्यूमेंट जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं उसको, उसमें ये दर्ज कर लिए जाते हैं या पार्टनरशिप डीड जो है वो तैयार करवा ली जाती है लीगल एक्सपर्ट से। और द नेचर ऑफ बिजनेस इज देन कॉल्ड पार्टनरशिप, उसमें ये भी डिसाइड कर लिया जाता है कि हु विल ऑपरेट द अकाउंट, बैंक अकाउंट कौन कौन ऑपरेट करेगा, आइदर द ऑपरेशन विल बी सिंगल और जॉइंट। और जिस तरह के मैंने अर्ज की है तमाम ड्यूटीज जो हैं उनको जो वो क्लियर कर लिया जाता है, असाइन कर ली, डिवाइड कर ली जाती हैं, और उसके बाद पार्टनरशिप डीड तैयार करने के बाद बैंक को अकाउंट खोल के बिजनेस प्लेस का डिसाइड करके जो नेचर ऑफ बिजनेस है उसको फिर शुरू कर दिया जाता है एंड द फॉर्म ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। जैसे कि हमने प्रोप्राइटरशिप में देखा था, यूनाइटेड स्टेट्स की एग्जांपल थी कि 70% ऑफ द फर्म्स इन यूनाइटेड स्टेट्स आर प्रोप्राइटरशिप इन नेचर, और जबकि पार्टनरशिप कितनी है 10%। नेक्स्ट स्लाइड। In a general partnership, all partners have unlimited liability. That is, the partners are personally liable for all obligations of the firm. Conversely, in a limited partnership, aur zara main aista bol raha hoon, gala mera lagatar 2-2.5 ghante bolne se na mutasir hua zara, abhi main fir pani ka bhi wo paas rakha hai, तो इसलिए मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल रहा। आई होप कि सुनने में कम अज़ कम कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। आवाज़ तो सही आ रही है ना? Yes sir, your voice is so much clearly, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके चलें फिर मैं ज़रा आहिस्ता ही बोलता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि हमें खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम हो जाए कि देखी तो फिर कोई मेरे साथ पर। All right. Conversely, in a limited partnership, the firm has some limited partners or partners whose liability is limited to the cash or property they contributed to the partnership. Limited partners are only investors in the partnership and do not participate in its management, but because they have invested in business, they share the profit or losses. Achha. अब बाद दफा ऐसा होता है कि चार पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर जो हैं या एक पार्टनर जो है वो कहता है कि जी मैं फंड जरूर इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन मैं बिजनेस में कोई हिस्सा नहीं होगा मेरा, कोई मैं ड्यूटी परफॉर्म नहीं करूंगा। तो ऐसी सूरत में ऐसे पार्टनर को स्लीपिंग पार्टनर भी कहते हैं, और उसके लिए भी जो प्रॉफिट की परसेंटेज उसके इन्वेस्टमेंट के मुताबिक दूसरों की निस्बत फिर कम रखी जाती है, क्योंकि बाकी तीन जो हैं वो जो डेली टास्क है दे आर परफॉर्मिंग फॉर अर्निंग और फॉर एग्जीक्यूटिंग बिजनेस एंड आर पुटिंग देयर फुल टाइम एफर्ट फॉर रनिंग द बिजनेस, जबकि स्लीपिंग जो पार्टनर है उसने सिर्फ फंड इंजेक्ट किए हुए हैं, फंड इन्वेस्ट किए हुए हैं, उसकी फिर उसी प्रोपोर्शन से प्रॉफिट में शेयरिंग की परसेंटेज कम कर दी जाती है। और जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, ये सारा कुछ पार्टनरशिप डीड में ये
चीजें सेटल कर ली जाती हैं, तय कर ली जाती हैं और पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर करवा लिया जाता है और तमाम पार्टनर्स उस पर इतफाक करके उसको साइन करते हैं ताकि बाद में कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो यहाँ पे वो जिक्र किया गया है कि अगर कोई पार्टनर जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता बट ओनली इन्वेस्ट हिज फंड्स और मनी, तो उसकी उसके साथ क्या ट्रीटमेंट होगी। अ लिमिटेड पार्टनरशिप एज वन और मोर जनरल पार्टनर्स आर पार्टनर्स हु मैनेज द बिजनेस रिसीव अ सैलरी। जो बिजनेस को रन करते हैं वो सैलरी भी रिसीव करते हैं, शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ द बिजनेस एंड हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। द अर्निंग्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच पार्टनर रिप्रेजेंट पर्सनल इनकम एंड अगेन उनकी जो पर्सनल इनकम है वो दैट इज टैक्सेबल। और जिस तरह जब मैंने अर्ज की थी कि हमारे यहाँ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, एफबीआई डिपार्टमेंट है, तो अमेरिका में चूंकि ये बुक अमेरिकन है तो वो इंटरनल रेवेन्यू सर्विस जो डिपार्टमेंट है वो टैक्सेस जो है वो वसूल करता है। नाउ लेट अस डिस्कस एडवांटेजेस ऑफ ए पार्टनरशिप। द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ओनरशिप हैज थ्री मेन एडवांटेजेस। नंबर वन, एडिशनल फंडिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने पढ़ा कि अकेला बंदा है, उसके फंड्स महदूद हैं या वो फिर बारो करता है अपने फैमिली मेंबर से या फ्रेंड से, तो इसमें पार्टनरशिप में क्योंकि पार्टनर्स ज्यादा होते हैं सो एडिशनल फंडिंग, फंडिंग का प्रोप्राइटरशिप की निस्बत वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। एन ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ ए पार्टनरशिप ओवर ए सोल प्रोप्राइटरशिप इज द एडिशनल फंडिंग दैट द पार्टनर और पार्टनर्स कैन प्रोवाइड, देयरफॉर मोर मनी मे बी अवेलेबल टू फाइनेंस द बिजनेस ऑपरेशंस। सम पार्टनरशिप्स हैव थाउजेंड्स ऑफ पार्टनर्स हु आर ऑल रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट सम ऑफ देयर ओन मनी इन द बिजनेस। The type of partnership has much potential. This type of partnership has much potential for growth because of its access to substantial funds. So, पहला advantage क्या है कि इसमें funds जो हैं वो ज्यादा available होते हैं proprietorship की निस्बत because the number of partners are more, whereas in sole proprietorship there is only one person. अब जरा ये स्लाइड जो मैंने डिस्प्ले की है इसको हमने इसका मुतालिया करना है एंड वी हैव टू मार्क द डिफरेंसेस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। सो ये इसके तीन कॉलम्स हैं। पहला है बेसिस, दूसरा है सोल प्रोप्राइटरशिप, तीसरा है पार्टनरशिप। सो व्हाट इज द मीनिंग सोल प्रोप्राइटरशिप के नीचे आप देखें, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर ओनली वन पर्सन इज द ओनर एंड ही इज द ऑपरेटर। ऑपरेटर से मुराद the person who runs the business, whereas in partnership the business in partnership is jointly owned by two or more persons. ye pehla fark hai. agar ye question paper mein aata hai to isi tarah aapne isko likhna hai differences ko. then is profit sharing. in proprietorship there is no profit sharing, whereas in partnership profit sharing between the partners. Number three, owner.
proprietorship mein, they are known as the sole traders. And in partnership, they are called partners and collectively called as an organization. Firm ko company kehenge ya organization kehenge. Aur partners, agar hum zikr karenge, to they will be named as partners. Number four, liabilities. In sole proprietorship, the liabilities are assumed by the proprietor, whereas in partnership, they are shared by the partners. Continuity. So in sole proprietorship, as the venture grows, sole proprietors ends eventually. This is because growth in venture entails expansion in activities, thus the requirement of funds and professionals increases, thus the sole proprietorship is compelled to switch into other form of organization if he wants to expand his business. So isme ye bataya gaya hai ki jab sole proprietorship mein business with the passage of time and by the hard work exerted by the proprietor increases, to uske liye phir apni jo form of business hai usko change karna bahut zaruri ho jata hai aur usko phir sole proprietorship form of business se nikal ke कोई दूसरी फॉर्म ऑफ बिजनेस अडॉप्ट करना पड़ती है लाइक पार्टनरशिप और जैसा कि अब हम इससे आगे पढ़ेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड सो ऑन. यानी अब ये माशाल्लाह इस स्टेज पे उसका बिजनेस आ गया है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में उसको कंट्रोल करना मुश्किल है. So it becomes necessary for the proprietor to adopt another form of business like partnership or private limited or work or transform his company into a private limited company. Now under partnership, partnership is considered to last for longer periods as compared to sole proprietorship. However, if the company aims for further expansion and larger business operations, then it may switch to other larger forms of organization such as corporations. So agar partnership mein bhi business ka volume bahut zyada ho jata hai to uske liye bhi phir जरूरी हो जाता है कि वो भी फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है वो कॉरपोरेशन की जिसके अंडर हम प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कॉरपोरेशंस या कंपनीज पढ़ेंगे उनमें से किसी एक को अडॉप्ट करना उसके लिए जरूरी हो जाता है. समझ गए हैं? समझ आ रही है ना? जी सर आ रही है. ओके. नाउ नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस इज कॉरपोरेशन. इसमें हम दो टाइप्स पढ़ेंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या और पब्लिक लिमिटेड कंपनी. लेकिन अभी इसको कॉरपोरेशन के नाम से ही आगे बढ़ते हैं. ए थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस इज अ कॉरपोरेशन विच इज अ स्टेट चार्टर्ड एंटिटी दैट पेज टैक्सेस एंड इज लीगली डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स.
Although about 20% of all firms are corporations, corporations generate more than 90% of all business revenue. Just imagine. कि इनकी जो तादाद है वो 20% है परसेंटेज 100 में से 20% जो कंपनीज हैं वो कॉर्पोरेशंस हैं बट देयर शेयर इन बिजनेस रेवेन्यू इज 90% पहले हमने वो पहली या दूसरी स्लाइड में पढ़ा था कि जो स्मॉल companies hain their share in business revenue is 10% whereas the corporation jo hain which are 20% of the firms or the companies but they share 90% of the business revenue because of their volume of business to form a corporation An individual or group must adopt a corporate charter. Or a document used in corporate business. Ghabrana nahi hai. Isko main karta hoon. तो जो पाकिस्तान में हमारा जो तरीका कार है कॉर्पोरेशंस की एस्टेब्लिशमेंट का वो उसका जिक्र करूंगा जिससे समझने में आसानी रहेगी सो अभी इसी को पढ़ते हैं टू फॉर्म ए कॉर्पोरेशन एन इंडिविजुअल और ग्रुप मस्ट अडॉप्ट अ कॉर्पोरेट चार्टर और ए डॉक्यूमेंट यूज्ड टू इनकॉर्पोरेट अ बिजनेस एंड File it with the state government. The charter describes important aspects of corporation, such as the name of the firm, the stock issued. Stock se yahan pe murad hai shares, jo ke public limited companies issue karti hain. The stock issued and the firm's operations. The people who organize the corporation must also establish bylaws, which are general guidelines for managing the firm slide number is now 14 since the shareholders of the corporation are legally separated from the entity they have limited liability jo yahan pe directors hain कॉर्पोरेशन में वो ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन की एंटिटी कंपनी की एंटिटी उनसे डिफरेंट है वो इंडिपेंडेंट एंटिटी है जिसके वो डायरेक्टर्स हैं दे हैव लिमिटेड लायबिलिटी मीनिंग दैट दे आर नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम द फर्म्स एक्शंस The most that the stockholders of a corporation can lose is the amount of money they invested. The stockholders of a corporation elect the members of the board of directors who are responsible for establishing the general policies of the firm. One of the board's responsibilities is to elect the president and other key officers such as vice presidents who are then given the responsibility of running the business on day-to-day basis. If the board of directors becomes displeased with the performance of the key officers, the board has the power to replace them. Similarly, if the stockholders become displeased with the performance of the members of the board, the stockholders can replace the directors in the next scheduled election. In some corporations, one or few individuals may serve as a stockholder, as a member of the board of directors, and as a key officer of the firm the chief executive officer of a business commonly serves as the chair of the board how stockholders earn a return
let me see iski agli slide kya hai. Private versus public corporation. Yahan se phir main shuru karta hu. Ye pehle isko dekh le. How stockholders earn a return? Stockholders can earn a return on their investment in a firm in two different ways. First, they may receive dividends from the firm, which are a portion of the firm's recent earnings over the last 3 months that are distributed to stockholders. Second, the stock they hold may increase in value. एक इन्वेस्टर ने फर्म्स के शेयर्स खरीदे, फर्ज किया आज एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपीज, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन द बिजनेस फ्लरिशेस शेयर की वैल्यू 100 के बजाय 150 हो गई है. सो इन दिस वे दे आल्सो अर्न प्रॉफिट. Second, the stock they hold may increase in value. When the firm becomes more profitable, the value of its stock tends to rise, meaning that the value of stock held by owners has increased. Thus, they can be benefited by selling their stock for a much higher price than they paid for it. So these are the two sources through which they earn profit. Pehla source kya hai? के उन्होंने जो शेयर्स खरीदे हुए हैं उस पे उनको कंपनी की तरफ से डिविडेंड मिलता है. और दूसरा जो विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन द बिजनेस इंक्रीजेस जो उनके शेयर की वैल्यू बढ़ती है तो दैट आल्सो बिकम्स अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टॉक होल्डर्स बिकॉज दे कैन सेल देयर शेयर्स एट हायर प्राइस. Okay. Private versus public corporations. अब आपकी आसानी के लिए मैं इसको जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो तरीकाकार है private और public limited companies की establishment का उसका तरीका मैं आपको पढ़ाऊँगा ताकि समझने में भी आसानी हो और आपको ये भी रेलेवेंट है. ये जो चीज़ें इसमें स्लाइड में लिखी हुई हैं वो भी रेलेवेंट हैं लेकिन यहाँ पे ये क्योंकि अमेरिका में ये तरीका या ये प्रोसीजर अडॉप्ट होता है तो आई विल प्रेफर टू शेयर विद यू द प्रोसीजर विच इज़ अडॉप्टेड और विच इज़ रिक्वायर्ड इन पाकिस्तान फॉर establishing private and public limited companies. So first of all, the procedure for registration of a private limited company in Pakistan. ye agar aap chahein तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप नोट भी कर सकते हैं अपने अपने पास. सो सबसे पहले वो अदारा जहाँ पे इन फर्म्स की रजिस्ट्रेशन होती है इज नोन एज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एस एब्रीविएटेड एज SECP. वो अदारा जहाँ जिस अदारे से प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के फॉर्म करने की अप्रूवल ली जाती है दैट इज SECP सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. रिपीट कर रहा हूँ द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चूज ए बिजनेस स्ट्रक्चर के कौन सा बिजनेस कंपनी करेगी उसका फैसला करें उसको चूज करें.
the persons who intend to establish a private limited company or register a private limited company, first of all, naturally, they will decide about their line of business. Unki line of business kya hogi? Then, decide about company's name. Company ka naam kya rakha jayega? Simple cheeze hain, lekin inko maine points mein split kiya hai taaki aapko paper mein reproduce karne mein aasani ho. Inko likh le, kyunki ye slides mein nahi likhe hue. So choose a business structure, repeat kar raha hun. Then approve a company's name. Then prepare the required documents. Jo registration ke liye SECP ki requirement hai for registration of a private limited company. Prepare those documents. Wo kya hai? CNICs of the directors. Copies of CNIC. Then evidence of office address. The company ka jo office ka address kya hoga? The address or the premises may be rented are owned by the company. Uske baad, jo document requirement hoti hai, Security and Exchange Commission ki, that is called Memorandum of Association. Very important. Memorandum of Association to, iska kya purpose hota hai? To declare company type and members ke company ki type kya hogi aur iske members kaun honge, and this document is known as Memorandum of Association. Abhi tak maine aapko jo points note karwaye hain, first of all choose the business structure, approve company name or select company name, then prepare the required documents. Wo required documents kya hain? Copies of CNICs of the members, evidence of office address, and memorandum of association. Then article of association. Memorandum mein kya? Memorandum of association mein declare karna tha company type or members. Article of association to define the company's purpose and operations. Article of association mein we define the company's purpose and operations. Aur is document ko hum ikattha jab call karte hain to we call it as memorandum article, memorandum and article of association. Dono ko agar ikattha bole to article and memorandum of association or memorandum and article of association. So inka purpose maine aapko bata diya. Memorandum of association ka purpose hai to declare company type and its members, and article of association, it defines the company's purpose and operations. Next document is bank statement to testify that the required capital is paid up. Bank statement. Then jo SCCP ki jo registration fees hai, uski evidence, registration fee slip, ke wo fee jo hai, wo pay kar di gayi hai,
उसकी रिसीट साथ लगेगी, रजिस्ट्रेशन फी स्लिप. देन ऑब्टेन ए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन SCCP इशू करती है. जब आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज इशूड बाई SCCP. देन अप्लाई फॉर नेशनल टैक्स नंबर. FBR में अप्लाई करें नेशनल टैक्स नंबर के लिए. So this is the method or procedure for registration of a private limited company. और SCCP ने इस process को बहुत आसान कर दिया है for the convenience to get the companies registered easily. इसमें कुछ काम आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कुछ स्टेप्स ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन टोटल यही स्टेप है. सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. नाउ अगर हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट करना चाहें उसका क्या प्रोसीजर है? बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन आप उसको अलग से लिख लें. द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी. पब्लिक लिमिटेड कंपनी दो तरह की हो सकती हैं, लिस्टेड. लिस्टेड LISTED लिस्टेड आगे लिखें. दिस टाइप ऑफ कंपनीज स्टॉक्स आर लिस्टेड इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज. अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिस्टेड होगी तो उसके जो शेयर्स हैं दो विल बी लिस्टेड इन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एब्रीविएटेड एज PSE. लिस्टेड के आगे लिखें दिस टाइप ऑफ कंपनी द स्टॉक्स आर लिस्टेड इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSE. दूसरी टाइप है अनलिस्टेड. अनलिस्टेड के आगे लिखें दिस टाइप ऑफ कंपनी द स्टॉक्स आर नॉट लिस्टेड. This type of company's stocks are not listed but can raise funds through private equity offerings. But these types of companies, unlisted companies, can raise funds through private equity offerings. So ye iske do ho gaye टाइप्स, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड. आप प्रोसीजर देखें. रिजर्वेशन ऑफ द कंपनीज नेम सेम. कंपनी का नाम क्या होगा जो प्राइवेट लिमिटेड के लिए था? रिजर्वेशन ऑफ कंपनीज नेम. देन कॉपीज ऑफ CNIC, कॉपीज ऑफ CNIC ऑफ द डायरेक्टर्स. Then national tax numbers, NTN of proposed directors, NTN of proposed directors. Then registered address. Repeat करने लगा हूँ procedure को. Reservation of company's name, copies of CNIC, NTN of proposed directors. Registered address, then nature of business. अगला पॉइंट है nature of business. और public limited के लिए authorized capital. ये private limited के लिए जरूरी नहीं है, but public limited के लिए what is the authorized capital of the company? नेचर ऑफ बिजनेस के आगे लिखें
authorized capital. उसके बाद लिखें paid up capital. Authorized capital, paid up capital, then name of the CEO. के जो directors हैं उनमें से who will be the person who will occupy the position of CEO. So submit all documents to the registrar of companies, SECP, stock, SECP, Security and Exchange Commission of Pakistan, mein sare documents submit kare. So the certificate of incorporation will be issued. जैसा पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हमने कहा था ना पढ़ा था या मैंने आपको लिखाया था कि द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विल बी इशू तो पब्लिक लिमिटेड के लिए भी सर्टिफिकेट ये सब डॉक्यूमेंट जब सबमिट करेंगे तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एससीसीपी के ऑफिस से रजिस्ट्रार के ऑफिस से इशू होगा लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी तब तक अपना काम शुरू नहीं कर सकती जब तक वो एससीसीपी के ऑफिस से सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ना ले ले तो सबसे आखिर में लिखें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जब ये इश्यू हो तो फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑपरेशनल होती है जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हासिल करने के बाद अपना फंक्शन शुरू कर सकती है बट फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज मस्ट सो ये आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने अलग से मेहनत की है ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो कोई क्वेश्चन का आंसर लिखने में या समझने में या स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट्स की डिटेल नहीं दी हुई बुक में और प्रेजेंटेशन में भी नहीं है तो इसलिए फिर अलग से मैंने ये आज टाइम लगाया है आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए अगर आप ये पॉइंट्स लिख लिए हैं तो फिर अब मैं आगे बढ़ता हूँ अब हमारी आगे स्मूथ सेलिंग होगी कोई रुकावट नहीं आएगी हमारे पढ़ने में ना इंशाल्लाह आपको कोई क्वेश्चन करना पड़ेगा और ना ही कोई समझने में डिफिकल्टी होगी तो ये सब आपने लिख लिए हैं ये पॉइंट्स प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी ये लिख लिए हैं आपने जी सर लिख लिए हैं जी सर कोई और जो आप नहीं आ रहा किसी और स्टूडेंट का any other student feedback from any other student hello koi aur student hello जी जी सर लिख ली हैं आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी समझ नहीं आ रही थी लिख ली हैं अच्छा अच्छा ये बहुत जरूरी है और इस जी जी आपको इस चैप्टर को इस यूनिट को
समझने में 200% से भी ज्यादा आसानी हो जाएगी। अब आगे बढ़ता हूं मैं। अब ये अब आप देखेंगे ये जो अब मैं आपसे स्लाइड शेयर करूंगा ना, इनमें ये चीजें नहीं है, लेकिन पूछा जाता है क्वेश्चन, और अगर आप इसको लिख दें कि व्हाट इज अ प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, तो अगर आप ये इस तरह उसको एक्सप्लेन कर दें और इनका प्रोसीजर मेंशन कर दें, तो यू अर्न फुल मार्क्स। सो स्लाइड नंबर इज 17। पीपल बिकम ओनर्स ऑफ ए कॉर्पोरेशन बाय परचेजिंग द शेयर्स ऑफ स्टॉक। Many small corporations are privately held, meaning that अब ये private limited company का जिक्र हो रहा है जो मैं आपको explain कर चुका हूँ। अब इंशाल्लाह इसकी मुश्किल नहीं कैसे आएगी समझ में। Meaning that ownership is restricted to a small group of investors, some well-known privately held firms include, अब ये American companies के नाम लिखे हुए हैं, इनसे हमारा कोई सरोकार नहीं। And Rand, McKinley and Company. Most large corporations are publicly held, meaning that shares can be easily purchased or sold by investors. So public limited companies mein shares ki sale aur purchase ho sakti hai, shares offer karti hain public limited companies through stock exchange, Pakistan Stock Exchange. Stock holders of publicly held corporations can sell their shares of stock and performance of the corporation when they need money, are disappointed with the performance of the corporation, or simply expect that the stock will not rise in the future. Their stock can be sold to some other investor who wants to invest in that corporation with the help of a stock broker. स्टॉक एक्सचेंज में जिस तरह सेल परचेज होती है शेयर्स की, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स वहां पे उनकी सेल परचेज हो सकती है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ए कॉर्पोरेशन। The corporation form of ownership offers the following advantages. Limited liability. Owners of a corporation have limited liability, whereas sole proprietors and general partners typically have unlimited liability. So corporations may liability is limited, liability of the directors is limited, whereas in proprietorship and general partnership the liability is unlimited. Access to funds. A corporation can easily obtain fund by issuing new stock. This allows corporations the flexibility to grow and engage in new business ventures, whereas sole proprietorship and partnerships have less access to funding. Then transfer of ownership. Investors in large publicly traded companies can normally sell their stock in minutes by calling their stock brokers or by selling it online over the internet. Conversely, owners of sole proprietorship or partnerships may have some difficulty in selling their share of ownership in the business. Now, what are the disadvantages of a corporation? Along with its advantages, the corporate form of ownership has the following disadvantages. High organizational expense. Organizing a corporation is normally more expensive than creating the other form of business because of the necessity to create a corporate charter and file it with the state. State Simran, SECP. Some expenses may also be incurred in establishing bylaws.
So bylaws are those which I've explained in the memorandum and article of association. Issuing stock to investors also entails substantial expenses. Then financial disclosure. When the stock of a corporation is traded publicly, the investing public has the right to inspect the company's financial statements within certain limits. As a result, firms may be obligated to publicly disclose more about their business operations and employee salaries than they would like. Privately held firms are not forced to disclose financial information to the public. So, public limited companies ke liye ye mandatory hai ki wo apni financial statements ko public karein. Apni income statement or balance sheet wagaira shareholders ke saath kisko study karne ke liye and to assess about the financial health of the organization wo apni जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करें और उनको एक्सेस दें स्टॉक होल्डर्स के लिए. नंबर थ्री, एजेंसी प्रॉब्लम्स. पब्लिकली हेल्ड कॉर्पोरेशन आर नॉर्मली रन बाय मैनेजर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजंस फॉर द बिजनेसेस दैट विल सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द ओनर्स. Managers may not always act in the best interest of the stockholders. However, for example, managers may attempt to take expensive business trips that are not necessary to manage the business. Such actions may increase the expense of running business, reduce business profits, and therefore reduce the returns to stockholders. Ye kal bhi humne study kiya tha ke puri chutti nahi di ja sakti बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि वो चाहें तो जेट खरीद लें अपने ट्रेवलिंग के लिए, या अगर मैनेजर्स हैं तो वो अपनी अपनी पर्सनल यूज के लिए पीसीज खरीद लें, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के या कंपनी के फंड्स का ज़िया है. सो देयर इज ऑलवेज ए चेक on the board of directors as well as on the managers ke wo aise decision le for making or aise expenses sirf kare which are in the best interest of the organization. When managers do not act as responsible agents for the shareholders who own the business, a so-called agency problem results. There are many examples of high-level managers who made decisions that were in their best interest at the expense of shareholders. So, jab aise steps koi board of directors ya managers lete hain, to wo apne stockholders ka dividend ya profit kam kar rahe hote hain. क्योंकि वो अमाउंट जो एक्सपेंस में आ जाती है वो प्रॉफिट में से निकल जाती है. एजेंसी प्रॉब्लम्स आर लेस लाइकली इन प्रोप्राइटरशिप बिकॉज द सोल ओनर मे आल्सो सर्व एज द सोल मैनेजर एंड मेक मोस्ट ऑफ ऑल बिजनेस डिसीजन. देन हाई टैक्सेस. Since the corporation is a separate entity, it is taxed separately from its owners. Iske jo directors hain wo apni salary ke hisab se apna tax alag pay karte hain aur jo company hai wo tax alag pay karti hai. So since the corporation is a separate entity, it is taxed separately from its owners. The annual taxes paid by a corporation are determined by applying the corporate tax rate to the firm's annual earnings. The corporate tax rate is different from the personal tax rate. Consider a corporation that earns $10 million this year. Assume that the corporate tax rate applied to the earnings is 30% this year.
So then the corporate tax rate can be changed by law over time. Excuse me. Assalamu alaikum, beta. Allah Taala ka shukr hai, beta. Aap suna theek hai? Haan, class ho rahi hai. Main inshallah farag ho ke phone karta. Aap theek hai na? Chale, inshallah main farag ho ke phone karta. Assalamu alaikum. अब देखें ये स्लाइड नंबर 22 आप पढ़ रहे हैं एडिशनल स्लाइड्स ऑन प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ये मैंने इसमें भी इंसर्ट की हैं तकरीबन 10 के करीब और जो आपको लिखाया है वो उसके अलावा है व्हाट इज ए प्राइवेट कंपनी ये एडिशनल स्लाइड्स हैं फॉर Better understanding. हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक रहता है मैनेजेरियल स्किल्स का बाकी ये एडिशनल हैं इनको मैं क्विकली पास करूंगा ताकि हमारा वो टॉपिक ना मिस हो जाए मैनेजेरियल स्किल्स का देखें मोस्ट कंपनीज इन यूके आर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज They are legally distinct entities with their own assets, profits, and liabilities. Private companies must be incorporated with companies house. मैंने क्या कहा था? With SECP. ये क्योंकि UK की example है, तो वहाँ पे जो अदारा है, वो मुख्तलिफ है. जबकि हमारे यहाँ अदारा जो है, वो Security and Exchange Commission of Pakistan है. Limited companies must have at least one director and optionally a secretary. हमारे यहाँ जो number of directors हैं वो आगे आएंगे अगली slides में. Public limited companies are similar to private limited companies in the sense that they are legally distinct entities with their own assets, profits and liabilities. However, shares in a public limited company can be freely sold and traded to general public and their shares can be listed on the stock exchange. So public limited companies are the only type of company allowed to raise capital from this type of public investment. Public limited companies must have at least two directors. Furthermore, a company secretary with professional qualification is a requirement. अब आगे इसके कंपैरिजन का चार्ट है उसमें भी ये क्लियर हो जाएगा ये चीजें जो है व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज अ कंपनी लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड द स्टॉक्स आर ट्रेडेड पब्लिकली ऑन द अदर हैंड ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज नाइदर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज नॉर आर दे ट्रेडेड इट इज प्राइवेटली हेल्ड बाय इट्स मेंबर्स ओनली So public limited company अपना जो shares हैं वो stock exchange में trade कर सकती है जबकि private limited company नहीं कर सकती The minimum number of members required to start a public limited company is 7 Against this the private limited company can be started with minimum of 2 members so private limited company ka minimum members 2 aur public limited ke 7 in case of public company it is compulsory to call a statutory general meeting of members salana ek general meeting apne stockholders ki call karna zaruri hai public limited company ke liye बट प्राइवेट लिमिटेड के लिए कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस आर स्टेटमेंट इज मैंडेटरी इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी
However, this is not in case of private limited company. समझ आ रही है ना? Confused तो नहीं है ना? ये की डिफरेंसेस हमने मैंने आपसे साथ शेयर किए हैं पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पिछली स्लाइड में. समझ आ गई है? जी सर आ गई है. हेलो आप देखें एक चार्ट की सूरत में जिस तरह वो मैंने प्राइवेट लिमिटेड को सॉरी सोल प्रोप्राइटरशिप को और पार्टनरशिप को कंपेयर किया था. अब प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी को आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे उनके जो की डिफरेंसेस हैं वो वादे किए हैं. आर यू विद मी? यस सर वी आर. भाई घबराए हुए तो नहीं? नो सर. ओके इट्स कंप्लीट कंप्लीटली ओके. जी सर बहुत अच्छा आप समझा रहे हैं और हमें बहुत मजा आ रहा है समझने में. जज़ाकअल्लाह. अब ये देखें दो कॉलम हैं इन पे अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी का आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस और व्हाट आर की डिफरेंसेस तो ये आपकी फिंगर टिप्स पे ये होने चाहिए ये वाले पॉइंट्स. अजान जरा पड़ी जा रही है एक मिनट की जरा खामोशी अख्तियार करते हैं. आज मैंने पंखा जरा इस तरह रखा हुआ है तो आवाज आ रही है पहले नहीं आती थी. नमाज हम रोज कदा पढ़ रहे हैं. दुआ कीजिएगा मेरे लिए मैं आपके लिए अल्लाह ताला हमें माफ कर दे. सो आप देखें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नीचे देखें इट इज प्राइवेटली हेल्ड कंपनी बाय क्लोज ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स वेयर एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज पब्लिकली हेल्ड कंपनी विच मीन्स एनीबॉडी कैन बिकम ए शेयर होल्डर. दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन a private limited company and a public limited company. Then for incorporation of private limited company, two shareholders are required. Whereas for incorporation of private limited company, seven shareholders are required. Then there can be a maximum of two shareholders in a private limited company, whereas in public limited company there are no maximum limit of shareholders. Then in private limited company there must be at least two directors, whereas in public limited company at least three directors are required. Seven bhi likh sakte hain. Then there is less legal compliance
in private limited companies. Then in public limited company, more compliances as compared to private limited company. Then shares are not transferred easily, but in public limited companies, shares can be transferred easily. अच्छा ये three हैं directors should be three वो minimum number है shareholders के वो seven है I'm sorry foreign corporation or private limited company two shareholders are required but foreign corporation or public limited company seven are required ये जो है ना there must be at least two directors तो ये three हैं this is not seven I'm sorry मैं इसके साथ confuse कर गया था ऊपर वाले के साथ So at least three directors are required in a public limited company. So these are the key differences between private and public limited companies. Clear? Ji sir, clear. अब ये कुछ और पॉइंट्स हैं द पब्लिक लिमिटेड ये मैंने देखें द पब्लिक लिमिटेड कंपनी विल रिक्वायर ए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन टू बिगिन इट्स ऑपरेशंस ये मैं आपको बता चुका हूं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एससीसीपी से इश्यू हो जाता है तो वो अपना फंक्शन शुरू कर सकती है But a public limited company cannot function, cannot start its function after getting the certificate of incorporation. Usko certificate of commencement of business lena hai. Uske baad public limited company apna function karegi. Ye main aapko udhar bhi vaade kar chuka hoon. To ye wo likha hua point hai. The transferability of shares is restricted completely in private limited company, while the shareholders of a public limited company can transfer their shares freely. Since there is a limited number of people and few restrictions, the scope of a private limited company is limited. In contrary, the scope of public limited company is vast. This is because of the owners of the company can raise capital from general public. Okay, slide number is now 28. There is a greater regulatory burden on a public limited company. This is because a great amount of information has to be made available to the public who are shareholders. A signed written resolution is received by holding general meetings. Where it is mandatory for a public limited company to appoint a company secretary. Private companies may choose to do so only at their will. What are the pros and cons of going public? The key benefit of becoming a public limited company is to be able to raise capital through selling shares to the general public. Private limited company shares ko sale nahi kar sakti through stock exchange, but a public limited company can sell its shares. For raising funds. So this is the first key benefit of becoming a public limited company. Also going public often generates publicity, introducing a company and their products to new customers. However, there are more rules than requirements with which public companies must comply. So this is generally only a suitable option for fairly mature companies with a suitably advanced infrastructure looking to expand. So ye wo tamam types of business humne discuss kar li hain sole proprietorship partnership
private limited or public limited companies. And the last topic of our today's lecture is managerial skills. What are the skills which a manager must possess or acquire to perform his job efficiently and effectively? So the first skill is the technical skill. मैं तेरा एक दफा फिर फीडबैक ले लूं, समझ आ गई है ना? मुश्किल तो नहीं पेश जी, समझ आ गई है, अच्छे से समझ आ गई है। अच्छा जी, अब देखें टेक्निकल स्किल्स। एक मैनेजर के लिए जिस टाइप की वो जॉब परफॉर्म कर रहा है, इफ ही इज ए मैनेजर इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको मार्केटिंग की ग्रेजुएशन उसके लिए, स्पेशलाइजेशन उसके लिए मस्ट है। अगर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो उसकी फाइनेंस में एक्सपर्टीज और ग्रेजुएशन जरूरी है। अगर वो ह्यूमन रिसोर्स में कर रहा है, एचआर डिपार्टमेंट कर रहा है, तो उसके लिए उसकी टेक्निकल स्किल क्या है? ही मस्ट बी ए पोस्ट ग्रेजुएट, ही मस्ट पजेस मास्टर द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री विद स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्सेज। सो दिस इज द डिटेल ऑफ टेक्निकल स्किल्स। You probably be hired for your first job based on your technical skills, the ones you need to perform specific tasks. कल भी मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि अगर आप एक फाइनेंस के बंदे को आप मैन्युफैक्चरिंग में कर देंगे अब्जॉर्ब या मार्केटिंग में कर देंगे तो ही विल बी मिसफिट। So the principle of right person for the right job should be followed in organizations for better performance and for getting better output and for increasing profitability. So the technical skills, लास्ट इसका मैं सेंटेंस इस स्लाइड का पढ़ने लगा हूं टाइम बचाने के लिए। टेक्निकल स्किल्स दो डेवलप थ्रू जॉब ट्रेनिंग एंड वर्क एक्सपीरियंस आर जनरली एक्वायर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर फॉर्मल एजुकेशन। इंटरपर्सनल स्किल्स, एज यू मूव अप द कॉर्पोरेट लैडर यू विल फाइंड दैट यू कैन नॉट डू एवरीथिंग यूर सेल्फ। You will have to rely on other people to help you achieve the goals for which you are responsible. That is why interpersonal skills. The ability, what are interpersonal skills? The ability to get along with and motivate other people are critical for managers in middle level positions. These managers play a pivotal role because they report to top management, top level managers while overseeing the activity of the first line managers. Thus, they need strong working relationship with individuals at all levels in all areas. Time management skills. How to get best output with the minimum पॉसिबल टाइम। अब ऐसा तो नहीं कि एक काम के लिए मिनिमम टाइम जो है एक टास्क के लिए वो 1 आवर है तो वो आप 15 मिनट में कर लें, दिस इज इम्पॉसिबल। लेकिन ये भी गलत है
कि एक काम जो एक घंटे में हो सकता है वो आप डेढ़ घंटे में करें या दो घंटों में करें. सो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आर नेसेसरी फॉर द मैनेजर्स टू पोजेस, ताकि जिस काम के लिए जितना वक्त ज़रूरी है सिर्फ वही सर्फ हो, वक्त ज़ाया ना हो. मैनेजर्स फेस मल्टीपल डिमांड्स ऑन देयर टाइम एंड देयर डेज आर यूजुअली फिल्ड विद इंटरप्शंस. आयरनिकली सम टेक्नोलॉजीज दैट वर सपोज्ड टू सेव टाइम such as voicemail and email have actually increased workload. Unless you develop certain time management skills, you risk reaching the end of the day feeling that you have worked a lot but accomplished little. So agar time management skills nahi hain to ye ehsaas hoga ki kaam to main sara din karta raha hu लेकिन आउटपुट जो है वो बड़ी थोड़ी है. सो इट इज नेसेसरी फॉर द मैनेजर्स कि वो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स से भी फेमिलियर हों. इसके लिए जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो, जैसा कि मैं कल भी आपसे अर्ज कर रहा था, कि वो मुख्तलिफ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी सेमिनार्स और शॉर्ट कोर्सेज मैनेज करती हैं, उन कंडक्ट करवाती हैं, और बाज़ दफ़ा अगर ज़्यादा ज़रूरी हो तो स्टाफ को बारी बारी मुख्तलिफ स्टाफ मेंबर्स को मुख्तलिफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में कोर्सेज कंडक्ट करवाए जाते हैं फॉर अक्वायरिंग एंड शार्पनिंग देयर स्किल्स सो दैट दे कैन परफॉर्म बेटर फॉर द कंपनी. देन आर डिसीजन मेकिंग स्किल्स. एवरी मैनेजर इज एक्सपेक्टेड टू मेक डिसीजंस वेदर अलोन आर दे पार्ट ऑफ टीम. Drawing on your decision-making skills is often a process in which you must define a problem. So analyze possible solutions and select the best outcome. As luck would have it, because the same process is good for making personal decisions, you will also use a personal example to demonstrate the process approach to decision-making. कल एक मैंने एक एग्जांपल आपको दी थी, आपसे शेयर की थी, कि एक मैनेजर है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में और उसके पांच लोग एक मशीन पे काम कर रहे हैं और वो दैट रन आउट ऑफ ऑर्डर, खराब हो गई है, और यहाँ पे मैनेजर की डिसीजन मेकिंग स्किल जो है वो काम आएगी. अगर उसके पास अपने पास कोई अथॉरिटी है, इफ ही हैज बीन डेलीगेटेड अथॉरिटी टू स्पेंड और मेक एन और स्पेंड एन अमाउंट और अप्रूव और इनकर एन एक्सपेंडिचर अप टू सर्टेन अमाउंट लाइक 10,000 या 50,000, ही शुड इमीडिएटली call the mechanic and get it repaired. और अगर उसके पास अपने पास अगर कोई authority नहीं है for incurring certain expenditure, he should immediately refer the matter to his boss or the GM, और उससे verbal approval लेके ये डिसीजन ले लेना चाहिए और उस मशीन को रिपेयर करवा लेना चाहिए, और उसकी जो मेमोरेंडम जो मैंने आपसे जिक्र किया था वो सब्सिक्वेंटली मूव कर देना चाहिए.
वर्बल अप्रूवल पे अपने जीएम से अप्रूवल लेके उसको मशीन रिपेयर करवा लेनी चाहिए, और उसकी जो प्रॉपर अप्रूवल है विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए शॉर्ट मेमोरेंडम, वो उसको साथ ही साथ वो मूव करके उसको फिर वो अप्रूवल भी हासिल कर लेनी चाहिए, लेकिन ही शुड इमीडिएटली डिसाइड ताकि जो 5 लोग फारग बैठे हुए हैं वो उनका वक्त जो है वो जाया ना हो. सो दिस स्किल इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग स्किल विच एवरी मैनेजर शुड पोजेस. Slide number is now 33, conceptual skills. Managers at the top who are responsible for deciding what is good for the organization from the broadest perspective rely on conceptual skills. What are conceptual skills? The ability to reason abstractly and analyze complex situations. Senior executives are often called on to think outside the box to arrive at creative solutions to complex, sometimes ambiguous problems. They need both strong analytical abilities and strong creative talents. So, difficult situations ko handle kis tarah karna hai? Ye bhi top management ke jo log hain who are part of top management, unko ye skills acquire karni ka chahiye, aur wo they know agar union ne hadtal kar di hai aur nare lagane shuru kar diye hain, strike kar di hai, so this situation is a complex situation aur top management ke jo एग्जेक्टिव्स हैं वो उनमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इस सूरत हाल को किस तरह हैंडल करें. प्रूडेंटली एंड विद इन मिनिमम पॉसिबल टाइम. देन आर कम्युनिकेशन स्किल्स. अगर मुझसे अगर आप पूछें तो ये जितनी मैं स्किल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैं कम्युनिकेशन स्किल्स को दूंगा. यही वो स्किल्स हैं जो आपकी अगर आपकी कम्युनिकेशन विद योर टीम अगर आपकी प्रॉपर है और आप दुख दर्द अपने टीम के साथ शेयर करते हैं, आप देखते हैं कि आपका एक टीम का मेंबर जो है वो आज थोड़ा सा परेशान लग रहा है, एंड यू शेयर एंड यू आस्क हिम व्हाट इज द प्रॉब्लम, तो ही मे बी फेसिंग सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उसका कोई फैमिली मेंबर बीमार हो सकता है, उसको कोई किसी और ज़रूरत के लिए पैसों की ज़रूरत हो सकती है, एंड इफ़ यू लेंड हिम मनी अपने पास से अगर नहीं तो यू प्रोवाइड हिम फंड्स फ्रॉम द कंपनीज अकाउंट, रिकमेंड करते हैं और उसको आप असिस्ट करते हैं और उसकी वो परेशानी आप ख़त्म करते हैं. तो सच इम्प्लाइज are your team member then realize that there is someone in the organization who is caring, who is looking after us, aur hamari problems bhi wo share kar raha hai jo personal bhi hain wo bhi aur jo official hain wo to karni hi hoti hain. So ये उसी वक्त मुमकिन है अगर आपकी कम्युनिकेशन आपकी टीम मेंबर्स के साथ फ्रीक्वेंट है. अगर कम्युनिकेशन गैप होगा तो आपकी टीम कभी एज ए टीम काम नहीं करेगी. सो
it is necessary for the managers to communicate frequently. दिन में कई कई दफा उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हों, उनके ऑफिशियल प्रॉब्लम्स, उनकी डिफिकल्टीज विच दे आर फेसिंग इन परफॉर्मिंग दे टास्क, अगर वो आप उनके साथ शेयर करते हैं तो यू विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर इन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. So with these words, I would like to have your feedback. वो मैडम ने मुझे मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का पूछा था, तो इंशाल्लाह कल मैं कोशिश करूँगा कि कल उसी टॉपिक से स्टार्ट लूँ और लेक्चर चाहे नया हो उसमें कोई स्लाइड इंसर्ट कर दूं फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग और उसको बाद में फिर डिलीट कर दूं, बजाय इसके कि मैं एक नई स्लाइड या नया लेक्चर लोड करके फिर उसको उसकी जगह दूसरा अपलोड करूं. उसी में मैं कोई कोशिश करूंगा कि एक या दो स्लाइड्स उस टॉपिक की इंसर्ट करके पहले वो एक्सप्लेन करूं और उसके बाद फिर नया लेक्चर शुरू करूँ. सो डोंट वरी. सो अब बताएं कि समझ आ गई है. हेलो जी सर, हैव यू अंडरस्टूड? जी जी सर, समझ आ गई है. एनी अदर स्टूडेंट? आई वुड लाइक टू हैव द फीडबैक ऑफ अदर स्टूडेंट एज वेल. Yes, sir, समझ आ गई है. और कौन बताना पसंद करेंगे? हेलो, और कोई स्टूडेंट जो अपना फीडबैक देना पसंद करें? ये मैं माइक कुछ और अनम्यूट किया. हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर. बिल्कुल सर, बहुत अच्छा समझ आ गया. जी शाहान साहब, बिल्कुल सर, बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही है, बहुत जबरदस्त है सर. अच्छा, अब मेरे कमेंट्स सुन लें. अगर आपको आज का जो ये लेक्चर है ये आप समझ गए हैं तो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर or the difficult unit out of the 9 units which you have to study. So alhamdulillah, Allah taala ka shukr hai ki agar aap isko achhi tarah aapne follow kar liya hai aur wo jo maine procedure aapko note karaya hai uske jo points note karaye hain of incorporation of a private limited company and public limited company, तो मेरा आज का गोल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी 200% अचीव हो गया. अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इसमें से बार दफा दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं इस चैप्टर में से, बार दफा वन एंड एन हाफ, एक तो होता ही होता है. और ये जो आपकी जो क्विज है इसके लिए आपने इसमें से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे क्विज में, तो बड़ी माइन्यूटली आपने इसके लिए पॉइंट्स जो हैं उनको नोट करना है और इसको अटेम्प्ट करना है क्विज को. अब मैं कोशिश करूंगा कि कल मैं जो तरतीब में यूनिट आ रहा है ना उसके अलावा उससे हट के कोई दूसरा यूनिट लूं जो क्विज में आपकी हेल्प करे. इंशाल्लाह आई विल डिसाइड आफ्टर गोइंग थ्रू द रिमेनिंग यूनिट्स कि उनमें से कौन सा यूनिट ज्यादा इम्पोर्टेंट है
جو کوئز میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ ترتیب میں پھر چینج کر دوں گا, پہلے بھی چینج کی تھی آپ کی کنوینئنس کے لیے. تو اگین آئی ول چینج دا آرڈر آف دا لیکچرس تاکہ آپ کی کوئز میں آپ بہتر پرفارم کر سکیں. السلام علیکم اینڈ اللہ حافظ. Thank you very much for your patient hearing. Allah Hafiz sir, thank you. I am very lucky to mujhe aise students ka group allocate hua hai who are very sensible aur badi tawajjuh se jo sunte hain aur samajhte hain. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala for your brilliant success in the examination. Thank you, sir. Assalamu alaikum. Allah Hafiz. Wa alaikum salam. Allah Hafiz. Log out hone laga hu. Kal inshallah dobara fir milenge inshallah bishatta zindagi. Assalamu alaikum and Allah Hafiz. Wa alaikum salam sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Take care.